वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। आइए आपको अपने स्कूल टाइम की जर्नी में ले चलते हैं। आई डिड माई क्लास 12th इन 1994। ये बात उन दिनों की है जब मैं देहरादून में पढ़ता था और मेरी क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है शिल्पी और सोनू, कभी वो फर्स्ट आता था कभी ये फर्स्ट आते थे। दोनों के बीच में प्यार डेवलप हुआ। जी जान से सोनू अपनी मेहनत करता था पढ़ाई में, शिल्पी भी अपनी मेहनत करती थी पढ़ाई में, लेकिन जब से प्यार हुआ और प्यार का इजहार हुआ, सोनू दिन रात शिल्पी को ही चाहता था, उसी की बातें करता था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, शिल्पी सोनू से कम बात करने लगी और पंकज जो कि एक मीडियोकर स्टूडेंट था उससे ज़्यादा बातें करने लगी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा हुआ क्या हो। क्या आपको समझ में आता है? और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्लास के स्टूडेंट उस चीज़ को खोजने में लग जाते हैं, हम भी लग गए भाई। तो पता ये चला कि जो एग्जामिनेशन आगे होने वाला था, अभी तक हमेशा ही सोनू ला रहा था मार्क्स, उससे पहले ही हमें पता चला कि शिल्पी पंकज से ज़्यादा बातें करने लगी। और उसके बाद में एग्जामिनेशन में हमने देखा लास्ट में मार्क्स सोनू के कम आए, बहुत कम आए। अब ये बात शिल्पी को पहले ही पता हो गई होगी और सच बात यही निकली। जब आज की डेट में हम लोग बात करते हैं उस समय तो बात नहीं कर पाए। सोनू की अभी मैंने कहानी सुनाई थी आपको, ब्रिलियंट, अभी भी ब्रिलियंट। लास्ट में एट लास्ट शादी जो है शिल्पी और सोनू की ही हुई, जो मैंने बताया था होली होली को ये सोनू मेरे घर पर आया था वही सोनू है। इसकी शादी जो इसकी वाइफ है शिल्पी उसी से हुई। लेकिन मोड़ देखिए कहानी में कितने आए। मैंने आपको लास्ट की एंड की कहानी सुना दी, आपको शायद ज़्यादा मज़ा ना आए लेकिन सत्य यही है। तो हुआ क्या, शिल्पी को ये बात पता लग गई थी कि सोनू उसका दीवाना हो गया और अपनी पढ़ाई में कम दिलचस्पी ले रहा है और उसमें ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्शन शो कर रहा है, जो भी है उसकी बातें उसी के बारे में दिन रात बातें करता है। तो शिल्पी को फिक्र सताने लगी कि ऐसे तो सोनू अच्छा खासा ब्रिलियंट स्टूडेंट ये रैंक नहीं ला पाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि लास्ट में सोनू लाएगा रैंक नहीं लाएगा, लेकिन यही होती है फितरत सभी की, जो अपना कर्म नहीं करता है, चाहे वो गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की। आज ज़माना बदल गया, हमारे टाइम में थोड़ा चेज था, बॉयज़ बहुत सारे पेपर मिलते थे गर्ल्स को अपना बनाने के लिए। आजकल मामला इक्वली गुड है गर्ल्स साइड से भी बॉयज़ साइड से भी, तो दोनों के लिए वैलिड है ये मेरे टाइम की कहानी है लेकिन आज की ये सच्चाई है, दोनों के लिए वैलिड है। तो आइए देखते हैं कहानी में हुआ क्या। शिल्पी को ये लगा कि पंकज मीडियोकर जरूर है लेकिन उसकी पढ़ाई पता लग जाता है वो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है पंकज का, राइट। तो सोनू अपनी पढ़ाई छोड़ के शिल्पी पे दिन रात मेहनत कर रहा था, शिल्पी ने सोनू को ही छोड़ दिया। जब छोड़ दिया सोनू अलग थलग पड़ गए, एक डेढ़ महीने तक किसी से बात नहीं करते थे सोनू। और इधर इन दोनों का मामला इतना अच्छा नहीं हुआ घनिष्ठ जितना सोनू और शिल्पी का था। शिल्पी सिर्फ पंकज से थोड़ी कभी कभी बातें कर लेती थी, लोगों को ऐसा लगता था कि अफेयर है लेकिन था नहीं अफेयर, उसमें बात करना अफेयर नहीं होता। अब एक इंटेलिजेंट गर्ल से बात करके पंकज को लगा वाह ये मेरी हो सकती है। पंकज ने और अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, प्यार का इजहार कहीं से नहीं हुआ लेकिन पंकज को अपना स्टेटस बढ़ाना था कि भाई पंकज इंटेलिजेंट था कि अगर मुझे इसका साथ चाहिए तो मुझे इसके लेवल का आना पड़ेगा। और उधर डेढ़ महीने बाद जब कहते हैं ना ठोकर खाकर ही समझ में आता है, सोनू फिर से अपने ट्रैक पर आ गए और अपने दिल से शिल्पी को निकाल बैठे थे और फिर से पढ़ने लगा। और पहली अटेम्प्ट में भाई जब आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, एनडीए का एग्ज़ाम हुआ और
मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब था। उसका तीनों में सिलेक्शन हो गया सोनू का, और पंकज का भी हुआ, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन आज फिर से शिल्पी और सोनू की कहानी अभी तक जिंदा है। अगर सोनू क्वालिफाई नहीं करता और प्यार की बातों में उसी में उलझा रहता और ठोकर ना पड़ती होती, तो शिल्पी बाय गॉड सोनू की ना होती। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, अपना कर्म ना छोड़ें। उसमें लोगों ने कई बार सोचा कि एक इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को छोड़ के एक मीडियोकर स्टूडेंट की क्यों हो गई शिल्पी। लेकिन हर किसी को अपना भविष्य चाहिए होता है, जो अपने काम को ही अंजाम तक ना पहुंचा दे। ऐसे लड़कों को लड़कियां लाइक नहीं करती और ऐसी लड़कियों को लड़के लाइक नहीं करते। तो मेरी बस यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। ये मैंने अपने स्कूल टाइम की कहानी सुनाई, और शिल्पी सोनू और पंकज जी अगर इस बात को सुन रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सत्य तो आपको भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इससे अगर स्टूडेंट्स का भला होता है तो बुराई नहीं है। बस अब तो वक्त बहुत बीत चुका है, हम लोग करीब 50 के होने वाले हैं, तो अगर किसी को ये बातें पता भी लगती हैं, कुछ गलत भी नहीं है इसमें, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरे स्टूडेंट्स का इससे भला होता है तो प्लीज़ होने दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन सच में सच्ची घटना अगर बताई जाए तो हमें सच में पता लगता है कि यही सत्य है। तो कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी को प्यार करिए, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी कर्म को सबसे ज़्यादा प्यार करिए। शादी के बाद भी लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अगर जो कर्म नहीं करता। तो कर्म याद रखिए, शादी से पहले, शादी के बाद, फ्रेंडशिप से पहले बाद, कर्म को सबसे ज़्यादा पूजना है अगर सच में चाहते हो खुशहाल ज़िंदगी। राइट, आपको कैसा लगा मेरी बात, सच्चाई बात, सच्चाई भरी बात, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर आप कहाँ थे पिक्चर में, तो किसी ना किसी दिन मैं भी बताऊँगा, क्योंकि मैं भी तो क्लास में पढ़ता था। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। नए हैं चैनल पे तो ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए और सच्ची बातों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसी लगी ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे, बढ़ते बढ़ते।